हेलो एवरीबॉडी, गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। एंड फ्रेंड्स, सीरियसली, अगर आप बाइनरी एंड फॉरेक्स मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, चैनल पे बिल्कुल नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो करना क्या है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको बेल आइकन के प्रेस करने के बाद ही मिलने वाली हैं। और एक और चीज़ यार, अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो ना, तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे अभी ज्वाइन हो जाओ, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो गाइज, आज की वीडियो पे आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओलिम ट्रेड वर्सेस बायनमो लाइव टेस्ट। यार, लाइव टेस्ट का क्या मतलब है यार? दोस्त, बहुत सारे लोगों को ना डाउट्स रहते हैं रिगार्डिंग दीज काइंड ऑफ ब्रोकर्स, कि ओलिम ट्रेड है, बायनमो है, आईक्यू ऑप्शन है, बहुत सारे जो बाइनरी एप्लीकेशंस के ब्रोकर्स हैं जो आपको सेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, क्या ये 100% जेन्युइन होते हैं? मतलब जब आप इन पे ट्रेड लेते हैं एक एप्लीकेशन पे सेम ग्राफ पे, तो दूसरी एप्लीकेशन पे सेम ग्राफ पे जो चार्ट है वो सेम चलता है? अगर मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, आसान भाषा में, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ओलिम ट्रेड पे ट्रेड लेते हैं, बड़ी कोई ट्रेड लेते हैं, और सेम बड़ी अमाउंट की ट्रेड आप लेते हो बायनमो से या कोई और ब्रोकर से, तो अगर आप ओलिम ट्रेड में जीतोगे तो बाकी सेम एप्लीकेशन में भी जीतने चाहिए, अगर ग्राफ करेंसी सेम है तो। तो यार, इससे रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट हैं, और आज की वीडियो में वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना यार, मजा आने वाला है। वीडियो में स्पेशल वीडियो है, लास्ट तक देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि लाइक करोगे अगर आप लास्ट तक देखोगे तो डेफिनेटली लाइक भी कर दोगे। गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मेरे पीसी में जो इंटरफेस है वो देख पा रहे हैं बायनमो का। यहाँ पे रियल अकाउंट में आप देख पा रहे हैं 7,10,000 रुपीस, ठीक है। तो अभी मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ। और दूसरी जो चीज़ है, दूसरे तरफ आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन को देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा जो लाइव अकाउंट का बैलेंस है वो है 8,329 रुपीस, माफी चाहूंगा, $29। ये जो आपका बैलेंस है, ये जो अकाउंट है, ये है ओलिम ट्रेड का। मोबाइल में मेरा जो इंटरफेस है वो ओलिम ट्रेड का है, पीसी में जो इंटरफेस है वो है बायनमो का। दोनों में हम एक ही साथ लेने वाले हैं ट्रेड, लेकिन कुछ थोड़े से डिफरेंस की बात कर लेते हैं। यार, छोटी अमाउंट की ट्रेड नहीं लेंगे हम, लेंगे बड़ी अमाउंट की ट्रेड। रीज़न यार, क्योंकि छोटी अमाउंट की ट्रेड लेने में कोई मज़ा नहीं आएगा। अगर छोटी अमाउंट की ट्रेड लेंगे तो फिर फ़र्क नहीं पड़ने वाला ओलिम ट्रेड को या बायनमो को, आप हारो या जीतो तो वो ग्राफ बिल्कुल सेम रहेगा। तो आज हम इनकी टेस्ट करने वाले हैं बड़े अमाउंट के साथ। आज हम ट्रेड लेंगे 10,000 रुपीज़ की ट्रेड लेंगे बायनमो में, तो और हम सेम $100 की ट्रेड लेंगे ओलिम ट्रेड में, ठीक है। 100 and $150 की कर देते हैं, तो 10,000 अबाउट 10,000 हो जाएंगे। तो $150 की ट्रेड लेंगे हम ओलिम ट्रेड में, एंड 10,000 रुपीस की ट्रेड लेंगे हम बायनमो में। अब देखेंगे आपकी ग्राफ, पहले करेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे यूरो यूएसडी सेलेक्टेड है। अब यूरो यूएसडी पे परसेंटेज देखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, तो 1 से 5 मिनट तक 80% है, एंड 15 से 60 मिनट तक भी यहां पे 80% प्रॉफिट मिलेगा आपको बायनमो में। बट अगर बात करते हैं ओलिम ट्रेड की, तो यहां पे प्रॉफिट परसेंटेज है आपका 82%, तो थोड़ा सा फर्क यहां पे देखने को मिल गया। लेकिन यार, आपको एक बात बताऊं, प्रॉफिट परसेंटेज है ना, वो जो है ब्रोकर आपके डिसाइड करते हैं, कंप्लीटली ब्रोकर के भी हाथ में नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत छेड़खानी वो कर सकते हैं, इतनी उनको इजाजत है। तो यहां पे लीगलिटी का इशू नहीं है, मेरा कहने का मतलब है ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी है। ये कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी नहीं है जो हाइड है, ठीक है। चलिए, अब जो आते हैं हमारी ट्रेड पे, तो सबसे पहले यूरो यूएसडी मोबाइल में भी सिलेक्टेड है, यानी ओलिम ट्रेड में भी, एंड यूरो यूएसडी ही सिलेक्टेड है हमारे बायनमो में भी। अब हमारी जो स्ट्रेटजी है, उसके हिसाब से जाते हैं। थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, तो 10,000 देखिए, अब ये जो है ग्रीन कलर की कैंडल ने क्रॉस कर दिया है हमारे टॉप अपर लेवल को, तो अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे, एंड देन हम अगर हमारे पास नेक्स्ट कैंडल मिलती है रेड कलर की, तो हम जाएंगे नीचे की तरफ, यानी रेड कलर की ट्रेंड पे जाएंगे, हम जाएंगे डाउनवर्ड ट्रेंड पे, और डाउनवर्ड ट्रेंड पे हम ले लेंगे ट्रेड। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, हम 3-4 ट्रेड लेंगे, एंड हमारे सामने असलियत, आपके सामने असलियत पहुंचाना मेरा काम है, और यही मैं आपके लिए हमेशा से करता आ रहा हूं। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे, और अगर आप नहीं करते फॉलो तो यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को। यार, एक बात और, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स जो है वो ले रहा हूं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, इन लोगों की जेन्युइनिटी, और यहां पे कोई मेरा रीजन नहीं है।
तो यार लाइक कर देना वीडियो को पहली चीज़, अगर आपको अच्छी लगती है तो, या अभी भी आप पॉज करके लाइक कर सकते हो वीडियो को। तो अभी देखो ग्राफ की बात करते हैं तो बिल्कुल सेम ग्राफ चल रहा है। अगर मोबाइल में भी मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ और यहाँ पर पीसी में भी मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो बायनमो और ऑलिमट्रेड दोनों में मुझे तो नहीं लगता कि ग्राफ का कोई डिफरेंस अभी है। दोनों में एक मिनट का जो है टाइमिंग सेलेक्ट कर रखा है मैंने, देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड जो है ग्राफ का एक मिनट सिस्टम में जो है दिखा दिया है मैंने आपको, और मोबाइल में भी एक मिनट का जो चार्ट है वो सिलेक्टेड है। अब लेट्स सी कि क्या होता है, अब हम देखते हैं अब क्या हो सकता है नेक्स्ट ग्राफ के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कैंडल है अगर वो रेड बनती है और उसने इसको क्रॉस किया तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे आँख बंद करके, क्योंकि हो सकता है हम जीते। बाकी जो है हमारे देखते हैं, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा गाइज, और एक हमेशा से जैसा कि मैं आपको कहता हूँ पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो मैं जब आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ तो थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी जल्दी ट्रेड्स ले लेता हूँ, अदरवाइज़ इतनी जल्दी मैं ट्रेड नहीं लेता। दिन में चाहे मेरा मानना है आप 5 ही ट्रेड लो पूरे दिन में, लेकिन अच्छी ट्रेड्स हों तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी कॉन्फिडेंस रेज होता है और बहुत कुछ, क्योंकि एक ट्रेड के पीछे ना सिर्फ जो डिपेंड करता है वो प्रिडिक्शंस नहीं करता, बहुत कुछ है यहाँ पे एक ट्रेड के पीछे, माइंड साइकोलॉजी और बहुत कुछ प्रेशर्स आपको हैंडल करने पड़ते हैं। और ये जब चीज़ आप सीख जाओगे ना कि ग्रीडी जो आपके अंदर ग्रीडीपन है, लालच है एक ट्रेड पे सारा पैसा कमाने का गंवाने का, वो चीज़ें जब आप समझ जाओगे तो बहुत कुछ चीज़ें इम्प्रूव होगी आपके अंदर, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा और वेट करेंगे, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ ग्राफ को ताकि थोड़ा समझ आए। तो यार यहाँ पे हमारी जो स्ट्रैटजी वो अप्लाई नहीं हो रही, तो हम थोड़ा सा करेंसी को चेंज कर लेते हैं, मेरे हिसाब से यूरो जेपीवाई पे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूरो जेपीवाई सेलेक्ट कर ली है बायनमो में, ऑन दी अदर हैंड सेम मैं यूरो जेपीवाई सेलेक्ट करने वाला हूँ हमारे ऑलिमट्रेड के इंटरफेस में। तो यहाँ पे यूरो जेपीवाई पे 90% का प्रॉफिट मिल रहा है यार, रीज़न ये है क्योंकि मेरा जो है अकाउंट है वीआईपी अकाउंट है, इसलिए मुझे यहाँ पे 90% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज मैंने आपको कहा, ये थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज में, बाकी ग्राफ में आपको कोई चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। आपको बायनमो के इंटरफेस पे 80% का प्रॉफिट मिल रहा है ये देखिए, एंड ऑलिमट्रेड के इंटरफेस पे आपको मिल रहा है 90% का प्रॉफिट, ठीक है। तो ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज में चेंजेस हो सकते हैं, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो प्रॉफिट परसेंटेज में चेंजेस मिलेंगे आपको, क्योंकि यार इनके टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट है यहाँ पे, ये कोई किसी तरीके से किसी को भी चीट नहीं कर रहे। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट कैंडल पे, तो थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और नेक्स्ट कैंडल भी हमें रेड नहीं मिल रही है। अगर हमें ज़रा सा रेड का इंडिकेशन मिलता है तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिडिक्शंस। अगर हम बात करते हैं हमारी स्ट्रैटजी के अकॉर्डिंग या हमारे बात करते हैं ट्रेंड्स के, तो ट्रेंड्स आप देख रहे होंगे टोटली अपवर्ड ट्रेंड्स हैं यहाँ पे, आप पूरे अपवर्ड ट्रेंड्स की तरफ हो। अगर आप नीचे MACD को भी फॉलो करो, ऑसम एक्सीलेटर को भी फॉलो करो, माफी चाहूँगा, तो भी यहाँ पे आप अपवर्ड ट्रेंड्स पे हो। तो यहाँ पे रिस्क लेना बहुत बड़ी बात है, अगर आप रिस्क लेते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए अब आपको मिली है एक कैंडल रेड कलर की जिसने क्रॉस कर दिया है, एंड सेम सिचुएशन आपको दिख रही है मोबाइल में भी। अब हम जो ट्रेड लेंगे बिल्कुल साथ में ट्रेड लेने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा और वेट करेंगे कि क्या नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है या नहीं बनती, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों में ट्रेड जो है यहाँ पे पहले एक मिनट की टाइमिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे आपको 33 दिखता है 4:33, तो यहाँ पे मैं 34 के लिए ट्रेड ले लूँगा और उसके बाद जो है एक मिनट की लगभग जो है ट्रेड दोनों से प्लेस हो जाएंगी। थोड़ा सा सब्र एंड विल गो, जैसे कि मैंने कहा था, देखिए एक रेड कलर की आपको कैंडल मिलती है तो फिर मार्केट जो है डाउनवर्ड ट्रेंड्स पे मिलेगा आपको, और जैसा कि आप ग्राफ में भी देख पा रहे हैं ट्रेंड्स जो है वो टोटली चेंज हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस के बाद अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए अभी ऊपर 34 हो गया है, नीचे 32 ही है, थोड़ा सा और जैसे ही 33 होता है हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देंगे, दोनों ही ट्रेड हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ही साथ प्लेस करेंगे, एंड लेट्स सी द रिजल्ट। हम फिर रिजल्ट का वेट करेंगे। यहाँ पे अभी थोड़े सेकंड्स और बच गए हैं, मुझे लगता है 4:32 एंड 33 है, मैंने यहाँ पे ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है हमारे सिस्टम से भी एंड हमारे मोबाइल से भी,
यानी लैपटॉप से भी मैंने प्लेस कर दी है जहाँ पे हमारा डायनेमो का इंटरफेस है, एंड दूसरा जो चीज़ है मोबाइल से भी मैंने प्लेस कर दी है जहाँ पे हमारा जो इंटरफेस है वो अनलिमिटेड का इंटरफेस है। यार हालांकि एक बात बताऊँ आपको, मोबाइल से जो ट्रेड मैंने प्लेस की है वो हल्का सा 1 सेकंड का उसमें डिफरेंस आ गया है, वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, और देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ये एरर है, उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अगर आपका अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स हैं, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। अभी हम एज पे ही हैं, हम नहीं कह सकते कि हम ये ट्रेड जीतेंगे या हारेंगे क्योंकि हम बिल्कुल एज पे हैं, एकदम एज पे, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। अभी हम वैसे हमारी तरफ है, हाँ रिजल्ट जो है हमारे हक में होने वाले हैं अगर सेम सिनेरियो रहते हैं, लेकिन यार जीते चाहे हारो डजन मैटर, वो मैटर नहीं करता, रिजल्ट्स दिखाना आपको मैटर करता है। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर ग्राफ सेम है तो आप यहाँ भी जीतोगे और वहाँ भी जीतोगे, तो ये सिनेरियो आपका मैटर करता है। तो अभी देखते हैं कि क्या हुआ एग्जैक्टली। मोबाइल में तो हम जीत गए हैं ट्रेड, ठीक है, हम मोबाइल में जीत गए हैं और यहाँ पे हम हार गए हैं। ओके तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, यहाँ पे बायनमो में हम ट्रेड हारे हैं एंड मोबाइल में हम जीते हैं। थोड़ा सा ट्रेड हिस्ट्री में जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेड हारे हैं, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि कैसे हारे हैं, क्या गलती हमने, मतलब ग्राफ को थोड़ा सा चेक करेंगे कि हुआ क्या था। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा 433, और यहाँ पे आते हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था 433, यहाँ पे जब हम हारे हैं वो हारे हैं सेकंड से, ग्राफ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस था। तो अब हम एक काम करते हैं, हम और ट्रेड लेंगे, अब हम और ट्रेड लेने वाले हैं सेम अमाउंट की, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। अभी हम एक ट्रेड जो है, क्योंकि अब मुझे पता है जब मैंने प्लेस की थी ट्रेड तो थोड़ा सा जल्दी प्लेस हो गई थी सिस्टम में, और 1 सेकंड के डिफरेंस से प्लेस हुई थी मोबाइल में अनलिमिटेड के इंटरफेस में, और इसी वजह से हम यहाँ पे हारे हैं, और यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं कि बायनमो ने आपको जानबूझ के हरा दिया है और ओलिम्प ने आपको जानबूझ के जिता दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब हम लेने वाले हैं नेक्स्ट ट्रेड हमारी, एंड इस करेंसी पे तो नहीं लेंगे क्योंकि ये जो करेंसी है अभी फ़िलहाल हमारी स्ट्रैटजी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम यूरो यूएसडी पे एक बार जाके देखते हैं कि अब यहाँ पे कुछ सिनेरियो चेंज हुए हो। मैं यूरो यूएसडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यूरो यूएसडी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अमाउंट हमारी सेम रहने वाली है। अभी मैं कोई मार्टिकल पे नहीं जाऊंगा, अभी चलिए मार्टिकल को, इतना बड़ा अमाउंट है तो मार्टिकल पे जाके अभी फ़ायदा नहीं है, तो अभी मैं यहीं पे ही इसी पे ट्रेड लेने वाला हूँ। तो अब जो है सिनेरियो आपको दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ दोनों तरफ से, एंड यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों तरफ से ट्रेड प्लेस कर दी है। अगेन यहाँ पे सेकंड्स का डिफरेंस आया है, वो इसीलिए आया है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन की एरर की वजह से, बाकी यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। लेट्स सी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता। हाँ यार टाइमिंग का भी मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद मैंने टाइमिंग का ध्यान नहीं दिया है जो कि एक इम्पैक्ट डाल सकता है हमारी विनिंग और लूजिंग पे, बट लेट्स सी कि क्या होता है। तो हमारे ओलिम्प ट्रेड का यार यही चीज़ मुझे पसंद है, यहाँ पे हम 1 मिनट डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं, और बायनमो में यहाँ पे जो टाइमिंग है आपके सिस्टम की उसको मेट करना पड़ता है आपको, तो कई बार सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती, कंट्रोल से बाहर चली जाती है, तो ये हो जाता है ऐसा सिनेरियो। तो अब देखते हैं, देखिए ग्राफ देखेंगे आप दोनों तरीके से ग्राफ बिल्कुल सेम है, सेम से ही चल रहे हैं दोनों तरफ, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। अभी हमारा जो ट्रेड है वो यहाँ पे मैंने प्लेस की हुई है 10,000 रुपीज़ की, और सिस्ट मेरे जो मोबाइल है उसमें है $150 की ट्रेड सेलेक्टेड। तो ये ट्रेड हम लगभग हार गए हैं मोबाइल में, एंड पीसी में देखिए ये ट्रेड अभी तक चल रही है, अभी तक हम हारे भी नहीं है जीते भी नहीं है। इसका मतलब है कि यार थोड़ा सा ना सेकंड्स का डिफरेंस हो रहा है, जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना तो यहाँ पे टाइम लग रहा है, देखिए टाइमिंग का भी मैटर आ रहा है यहाँ पे। तो अगर बात की जाए ग्राफ की, तो यहाँ पे ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बनी है, तो यहाँ भी एक रेड कलर की कैंडल बनी है, मोबाइल में भी यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल सेम है। तो अभी यहाँ पे हम 20,000 रुपीज़ हार गए हैं, तो नेक्स्ट ट्रेड में लेने वाला हूँ 40,000 रुपीज़ की। ओके नेक्स्ट ट्रेड में लेने वाला हूँ 40,000 रुपीज़ की, एंड मोबाइल में अब हम $150 हारे हैं, तो नेक्स्ट ट्रेड हमारी होगी $300 की। ओके लेट्स सी, क्योंकि हमें प्रॉफिट भी तो कवर करना है यार, मतलब जो लॉस हुए हैं वो भी तो हमें कवर करने हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो देखी जाएगी बट लॉसेस भी हमें कवर करने हैं। तो अब हम कोई और करेंसी NZD USD पे ट्राई करते हैं, NZD USD, एंड इस पे देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। NZD USD, ओके, यहाँ पे ऑलिम ट्रेड की इंटरफेस में मुझे फिलहाल ये नहीं मिल रहा है, बट चेक कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है जो ऑलिम में आपको मिलेंगी करेंसीज़ वो मोबाइल में नहीं मिलेंगी, एंड जो मोबाइल में जो मतलब बायनमो में नहीं मिलेंगी, एंड कुछ जो है बायनमो में आपको मिल जाएंगी, एंड
ओलिंप में नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे ये नहीं है, तो मैं अभी थोड़ा सा करेंसी को फिर से चेंज कर लेता हूँ। अब हम जाएंगे बाकियों में तो अच्छा खासा प्रॉफिट है नहीं, तो यार कोई फ़ायदा नहीं, तो यूरो यूएसडी पे ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो यूरो यूएसडी पे ही मैंने अभी क्लिक कर दिया है, एंड देन यूरो ऑड गलती से सेलेक्ट हो गया है, देन यूरो यूएसडी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ग्राफ में अभी यूरो यूएसडी सेलेक्टेड है। एंड अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। तो देखिए, पहली ट्रेड हम जो है ओलिम में जीते, बायनमो में हारे, लेकिन वो रीज़न था क्योंकि बायनमो की टाइमिंग सिस्टम एंड थोड़ा सा डिले, और ओलिंप में बिल्कुल क्लियरली हम पहली जीत, दूसरी जो है ओलिंप में भी हारे थे और बायनमो भी हारे, तो रिजल्ट अभी तक तो पॉजिटिव ही है, बाकी लेट्स सी कि क्या होता है। तो अभी हम ट्रेड लेने वाले हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास टाइमिंग जो है देखिए, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 40 सेलेक्टेड है, तो यार ये रीज़न, यहाँ पे ये चीज़ें फंस जाती है कई बार, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करेंगे 39 होने का। एंड देन हमने प्लेस कर दी है ट्रेड हमारी दोनों तरफ से, और गलती से मोबाइल में ट्रेड जो है वो प्ले, माफ़ी चाहूँगा, जो ओलिम ट्रेड का इंटरफेस है उसमें तो प्लेस हो गई, बट यहाँ पे देखिए ट्रेड जो है बहुत ही लेट प्रोसेस, ट्रेड जो है बहुत ही लेट जो है वो लगी है। क्यों? क्योंकि यार मैंने आपको बता दिया वही चीज़ कि सेकंड्स का डिफरेंस आ रहा है जब मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ इंटरनेट एरर की वजह से, बाकी सब कुछ यहाँ पे फिक्स है, ग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। जो ग्राफ यहाँ पे मुझे मिल रहा है ओलिम ट्रेड में, सेम ग्राफ मुझे मिल रहा है बायनमो में, ये चीज़ें इसमें कोई भी फ़र्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी हमारे पास जो टाइमिंग है वो बाकी है 19, लगभग लगभग 19 सेकेंड्स, एंड लेट्स सी कि अभी क्या होता है। ओलिम ट्रेड में हम क्लियर विन पे हैं अभी, एंड अगर बात करते हैं बायनमो में, तो बायनमो में अभी हम रिस्क में ही है अभी हम, हाँ रिस्क में क्या, अब हम दोनों ट्रेड कॉन्टिन्यूसली हारने वाले हैं, ओलिम प्लस बायनमो। ओके, तो ओलिम ट्रेड वाली ट्रेड हम हार गए हैं, एंड अब बायनमो की बात करते हैं। बायनमो की ट्रेड थोड़ी सी लेट प्लेस हुई थी, लेकिन ग्राफ बिल्कुल सेम है। द गुड न्यूज़ इज द ग्राफ इज सेम, एंड यहाँ भी हम जो ट्रेड है वो हम हार गए हैं, 40,000 की भी ट्रेड हम हार गए हैं, तो टोटल लॉस हमारा हुआ है 60,000 रुपीज़ बायनमो में, एंड लगभग लगभग यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा लॉस हुआ नहीं है, $300-350 का लॉस हुआ है ओलिम ट्रेड में। ठीक है, तो अब मैं ओलिम ट्रेड में लेने वाला हूँ $500 की ट्रेड, एंड यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ 1,00,000 रुपये की ट्रेड। 1,00,000 रुपए की ट्रेड हम लेने वाले हैं आज। ओके, तो अब द नेक्स्ट ट्रेड विल बी दी ऑसम ट्रेड। आज की जो लास्ट ट्रेड होने वाली है वो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो यार मजा लेगा देख के। अब यूरो यूरो जेपीवाई में सेलेक्ट कर लेता हूं, क्यों? क्योंकि यूरो जेपीवाई का प्रॉफिट यहां पे 90% मिल रहा है ओलिम ट्रेड में, तो यहाँ पे अच्छा खासा देखिए, थोड़ा सा सिस्टम एरर है और थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी इशू है, इस वजह से अभी देखिए थोड़ा सा देखिए किस तरीके से चल रहा है, मैं इसको जूम इन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी बायनमो में देखिए कुछ एरर है, तो बायनमो का भी मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया है प्लेटफॉर्म को, हो सकता है जो ग्राफ है वो नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू की वजह से सही नहीं चल रहा था। तो अब हम जाते हैं यूरो जेपीवाई में, यहाँ पे 65,000 ऑलरेडी, यार वो गलती से फिर से वही सेलेक्ट हो गया 65,000, इसको 1,00,000 कर लेते। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1,00,000 कर लिया है, यहाँ पे $500, तो अभी हम लेते हैं ट्रेड, एक ट्रेड और लेने वाले हैं, लेट्स सी। यहाँ पे एक्सपेक्टेड इनकम मेरी इतनी कम, ओके यहाँ पे 1,00,000 ट्रेड, 1,00,000 रुपए की ट्रेड यहाँ पे मुझे अलाउ नहीं कर रहा आई थिंक, इस वजह से ये बार बार ऑटोमेटिकली डायरेक्टली सेट हो जा रहा है, क्योंकि आज की जो लिमिट है वो कंप्लीट हो गई होगी। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ 65,000 की मैं मैक्सिमम ट्रेड ले सकता हूँ, तो चलिए 65,000 की ट्रेड यहाँ पे हम लेंगे, क्योंकि यार बायनमो के साथ क्या है ना कि अगर आप यहाँ पे ज़्यादा हार जाते हो ना, या ओलिम ट्रेड के साथ भी यही, अगर आप ज़्यादा हार जाते हो तो ये आपको अलाउ नहीं करते और पैसा हारने के लिए, ये सोचते हैं कि एक दिन में आप पैसा अकाउंट अपना खाली ना करो इसी वजह से। तो अब हम जाएंगे थोड़ा सा सेफ, हम जाएंगे 2 मिनट के लिए, और यहाँ भी हम 2 मिनट के लिए जाने वाले हैं। जैसे ही मुझे यहाँ पे 43 सेकेंड्स, मतलब 4:43 मिलता है, और तो हम जाएंगे यहाँ पे 45 पे, एंड देन हम ट्रेड जो है दोनों तरफ से प्लेस करेंगे, एंड कोशिश करेंगे कि हम जो है अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से लेके जा पाएँ, क्योंकि देखिए लॉसेस के चांसेस भी हैं, बहुत बड़े बड़े लॉसेस के चांसेस भी हैं, लेकिन विन करने के चांसेस भी उतने ही हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। जैसे ही हम थोड़ा सा वेट करते हैं, लगभग लगभग 30 सेकेंड्स और 37 सेकेंड्स, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट ट्रेड।
ओके तो हमें मुझे मिल गया 34 और यहाँ पे मैंने जो ट्रेड है वो प्लेस कर दी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोथ दोनों से। एंड यहाँ देखिए यार सिस्टम में अभी तक यानी बायनमो में अभी तक वो ट्रेड मेरी प्लेस ही नहीं हुई है। देखते हैं प्लेस, आ हाँ प्लेस हो गई है। तो सिस्टम में भी मेरी जो ट्रेड है वो प्लेस हो गई है, हालांकि लेट प्लेस हुई है जिसका कारण मैंने आपको बता दिया है। कारण सेम है, इंटरनेट कनेक्टिविटी और कुछ नहीं। अगर हम यहाँ पे अगर सेकंड्स के डिफरेंस भी आता है हमारा तो इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू होगा वो, बाकी ग्राफ बिल्कुल सेम है। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ ग्राफ बिल्कुल सेम है। अगर आप एक में हारोगे तो दूसरे में भी हारोगे, अगर आप एक में जीतोगे तो दूसरे में भी जीतोगे। ओके बल्कि अभी तो हम हार ही रहे हैं बट हमारे पास अभी लगभग लगभग 1 से 1.5 मिनट बाकी है, तो देखते हैं कि क्या होता है। ओके बट अभी देखिए मैंने कोई लगभग यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं की, कुछ खास स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे कोई अप्लाई की नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक बॉलिंजर के भरोसे आप इतना बड़ा बड़ा अमाउंट का जो ट्रेड है वो नहीं प्लेस कर सकते। जो ट्रुथ है वो यही है, सिर्फ एक बॉलिंजर के भरोसे आप इतना बड़ा अमाउंट की ट्रेड जो है प्लेस नहीं कर सकते। बट यार आज की जो वीडियो है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य बस इतना ही है कि आप लोगों तक सच्चाई पहुंचे कि सच्चाई क्या है, ये एप्लीकेशंस आपको किस तरीके से लाइक कोई किसी तरीके का फ्रॉड या स्कैम तो नहीं करते बड़े बड़े अमाउंट के साथ, बट द रिजल्ट जो मुझे मिल रहा है वो बिल्कुल पॉजिटिव है कि यहाँ पे आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। देखिए अभी आप बायनमो के इंटरफेस पे जाते हो तो यहाँ पे भी आप जो ग्राफ है बिल्कुल सेम चल रहा है, और अगर मैं ओलिम के इंटरफेस पे जाता हूँ तो वहाँ भी मुझे ग्राफ सेम ही मिल रहा है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं है, 100% जेन्युइन एप्लीकेशंस हैं दोनों, और एक ही ग्राफ आपको दे रहा है। अगर आप यहाँ पे जीतोगे तो वहाँ भी जीतोगे और यहाँ पे हारोगे तो वहाँ भी हारोगे, लेकिन यहाँ पे जो बात आती है एक साथ ट्रेड लेने की दोनों एप्लीकेशंस में, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ जाती है जब आप एक साथ ट्रेड लेते हो दोनों एप्लीकेशन में, तो तब आप हल्का सा मिस्टेक कर सकते हो वहाँ पे आप इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी ऐसा है ना कि आपका कभी सही रहती है कभी नहीं रहती, तो इस वजह से या तो आप जीत सकते हो। देखिए ओलिम ट्रेड पे मैं ये ट्रेड हार गया हूँ, और अगर ओके गॉट इट, तो यहाँ पे भी मैं ये ट्रेड हार गया हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे दो ट्रेड हम कंटिन्यूअसली यहाँ भी हारे हैं और वहाँ भी हारे हैं। इट मीन्स इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि यहाँ पे कोई भी इस तरीके का फ्रॉड आपके साथ नहीं होता है। अगर आप ओलिम ट्रेड में ट्रेड लेते हो और सेम टाइम में आप ट्रेड लेते हो बैनमो में, तो आपके साथ कोई भी किसी भी तरीके की फ्रॉड नहीं होता है। आप अगर ओलिम में जीतोगे तो बैनमो में भी जीतोगे, अगर आप ओलिम में हारोगे तो डेफिनेटली बैनमो में भी आप हारने वाले हो। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है लेकिन उम्मीद करूंगा मजा आपको आया होगा वीडियो देख के। एंड नो वरीज अबाउट द लॉसेज, लॉसेज की टेंशन मत लो, वो मैं कवर कर लूंगा अबाउट लाइक मार्टिकल स्टेप से, अब अच्छे से स्ट्रेटजीज फॉलो करके वो मैं कवर कर लूंगा। लेकिन जो वीडियो का उद्देश्य था, वीडियो बनाने का रीजन था, कारण था, वो कंप्लीट हो गया है मेरे हिसाब से। यार एक और चीज, हैशटैग टेक्निकल अभी यूज करना कमेंट में और अपनी राय देना कि वीडियो कैसी लगी है आपको और क्या इंप्रूव कर सकते हैं इन फ्यूचर। ओके और थैंक यू सो मच यार वीडियो को यहां तक देखने के लिए। आपका प्यार आपके लाइक से मुझे पता लगेगा कि कितना प्यार आप दे रहे हो वीडियो को और कितना प्यार कर रहे हो आप मुझे। चलिए गाइज मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार कंटेंट के साथ। यार वीडियो देखते रहो, लाइक करते रहो, और चैनल पर बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।